माटी की विरासत खंगालने प्रेरणा मीडिया की टीम उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद पहुंची। हजारों वर्षों पहले यहां कोई नगर नहीं बल्कि अरण्य यानी घना जंगल था। इसीलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, यहां तक कि कलयुग के प्रारंभ से ही यह स्थान ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। तो चलिए आज इस पवित्र स्थान के सुनहरे इतिहास से धूल हटाने का प्रयास करते हैं। राजधानी दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर बसी है महर्षि मयन की नगरी मैनपुरी। जी हाँ, मैनपुरी का सही उच्चारण मयनपुरी है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में मयनपुरी को मैनपुरी कहा जाने लगा। इस प्राचीन नाम की पुष्टि यहाँ के पुराने डाकघर में लगे पत्थर भी करते हैं। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि वर्ष 1900 से पहले इसे मयनपुरी ही कहा जाता था। मेन सिटी से 4 किलोमीटर दूर नगरिया और धारऊ गांव हैं। इन दोनों गांवों में प्राचीन पत्थरों के अवशेष मिलते हैं। मयनपुरी के लोग इन पत्थरों को पूर्वजों की तरह पूजते हैं। किसी भी विवाह से पहले आज भी इन पत्थरों पर तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है, जबकि विवाह के बाद वर वधू यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इसके अलावा शहर के बीच में बना महाराजा तेज सिंह का किला भी पर्यटन स्थल बन सकता है। इस किले को महाराज तेज सिंह के पूर्वजों ने बनवाया था, लेकिन देख रेख के अभाव में यह जीर्ण शीर्ण हो चुका है। नगर से 22 किलोमीटर आगे जाने पर विधुना गांव है, जो महात्मा विदुर का टीला कहा जाता है। इस स्थान की खुदाई में कई मूर्तियां और भव्य महल के भग्नावशेष निकले हैं, जो इस स्थल की पौराणिकता की ओर इशारा करते हैं। यहां प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा से 7 दिन तक भव्य मेला लगता है। वहीं नगर में मां शीतला देवी का आशीर्वाद भी बना है। मां शीतला मंदिर 24 फुट वर्गाकार में 9-9 फीट ऊंचा है। मां के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, तभी तो मन्नत पूरी होने पर मीलों दूरी से लोग यहां दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन करने पहुंचते हैं। होली पर्व के बाद शीतला अष्टमी से यह नुमाइश लगती है, जो 1 महीने तक चलती है। नगर का ओंछा नामक स्थान भी अपने आंचल में कई पौराणिक कथाएं समेटे है। यहां महर्षि चव्यण, श्रृंगी, वेद व्यास जैसे ऋषियों के आश्रम होने के प्रमाण मिलते हैं। मान्यता है कि यहां विशाल सूर्य मंदिर भी था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ओंछा अत्यंत समृद्ध था। यहां रथ बनाने का काम प्रमुख रूप से किया जाता था। ओंछा के चव्यण ऋषि आश्रम के तहखाने में आज भी 6वीं-7वीं शताब्दी के शिलालेख रखे हैं, जो इस क्षेत्र की दिव्य प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मयनपुरी के सफर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और स्थान की दिव्यता पर पड़ी धूल हटाने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर करें और प्रेरणा मीडिया को सब्सक्राइब।